रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस वी आर गिविंग 15 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस फॉर यू इन दिस वीडियो सीरीज वी विल आल्सो सॉल्व प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर लेटर फेज यू कैन एग्जामिन योरसेल्फ बिफोर आरआरबी एग्जामिन यू फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन परचेज आवर बुक्स ऑन रेलवे एग्जाम्स फ्रॉम गिवन लिंक ऑफ Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 23. निम्नलिखित चार ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? ए. अमरकोश, बी. सिद्धांत शिरोमणि, सी. वृत्त संहिता, डी. अष्टांग हृदय. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. अमरकोश विश्वकोशीय ग्रंथ है जिसका संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा के एक नवरत्न अमर सिंह ने किया था. अगला क्वेश्चन है हमारा, चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा वह कहाँ की शासक थी? ऑप्शन ए गोलकुंडा की, ऑप्शन बी बहमनी की, ऑप्शन सी बीजापुर की, ऑप्शन डी अहमदनगर की. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. चांद बीबी बीजापुर के शासक हुसैन निज़ाम शाह की पुत्री थी. उसका विवाह अहमदनगर के शासक अली आदिल शाह से हुआ था. 1555 ईस्वी में जब मुगलों ने अहमदनगर का घेरा डाला उसी दौरान मुगलों और अहमदनगर के बीच संधि हो गई. अहमदनगर के शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बरार का प्रदेश मुगलों को सौंप दिया. हमारा अगला क्वेश्चन है, वाडियार किस राज्य के शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर के देशी राज्य के, ऑप्शन बी त्रावणकोर के देशी राज्य के, ऑप्शन सी विजयनगरम के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए. विजयनगर के पतन के बाद उसके अवशेष पर एक स्वतंत्र राज्य मैसूर का जन्म हुआ. इस राज्य पर वाइटनार वंश ने शासन किया. हमारा अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय क्रांतिकारी थे. उन्हें बिहार के किस नगर में फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी रांची में, ऑप्शन सी धनबाद में, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर में. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. फांसी की सजा पाने वाले प्रथम भारतीय क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 में मुजफ्फरपुर में फांसी दी गई. हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है. हमारा अगला क्वेश्चन है, सूडान एक ऐसा देश है जो विश्व के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय है क्योंकि ऑप्शन ए जातिक संघात जैसे कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किए गए हैं, ऑप्शन बी यह सुनामी द्वारा विध्वंस हो चुका है, ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति एड्स से संक्रमित है, ऑप्शन डी लिंगानुपात बहुत अधिक पुरुषों के पक्ष में है. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. जातिक संहार जैसे कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किए गए हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है? ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 20%, डी 26%. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20%. पृथ्वी की संरचना में विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है, नाइट्रोजन 78.3%, ऑक्सीजन 20.99%, ऑर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.005%, क्रिप्टॉन 0.0001%, जेनॉन 0.0009%, ओजोन 0.0001%. हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत का महाधिवक्ता. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की पद रिक्तता की स्थिति में कार्यभार संभालेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाजा पट्टी संघर्ष का केंद्र है। ऑप्शन ए पश्चिम एशिया में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व में, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑप्शन डी रूस में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम एशिया में स्थित गाजा पट्टी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का विषय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिसेंट मून के लेखक हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रिसेंट मून के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे गांधी जी का कंसाइज कीपर कहा जाता है। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी को, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी को गांधी का कंसाइज कीपर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, कूटक किसमें नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए कुक्कुट में, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग में, ऑप्शन सी बतख में, ऑप्शन डी मोर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग एक बड़ा नाव उड़ने वाला पक्षी है जिसमें कूटक नहीं पाया जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते। ऑप्शन ए ट्राइगोन के, ऑप्शन बी शार्क के, ऑप्शन सी मिक्साइन के, ऑप्शन डी सिफ्राना के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिक्साइन जबड़ा रहित जंतु है, यह साइक्लोस्टोमेटा वर्ग का सदस्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों में 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। हिंदी में यदि कुल 4800 पुस्तकें हों तब लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी। ऑप्शन ए 12,000, ऑप्शन बी 24,000, ऑप्शन सी 28,000 और ऑप्शन डी 20,000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लाइब्रेरी में कुल पुस्तकों की संख्या होगी 20,000।